बरेली बार एसोसिएशन में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी से चल रही है, तैयारियां प्रचार अंतिम चरण में हैं, मतदान 20 दिसंबर को होना है, इसमें 2377 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ऐसा माना जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपने जीत के दावे के साथ धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अपने पक्ष में अपनी बातें बता करके, अपने मुद्दे बता करके वोट मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं सचिव पद के प्रत्याशी शंकर कुमार सक्सेना जी, ये भी अपनी तमाम चीज़ों को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। एक बड़ा आरोप इन्होंने पिछले सचिव पर लगाया था कि उन्होंने वकालतनामे को लेकर के बहुत सारे घपले किए हैं, बहुत सारा गबन किया है, और उसी मुद्दे से चर्चा में आने के बाद सक्सेना जी आज सचिव पद के प्रत्याशी के रूप में हैं और वो उन्हीं सचिव के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए हैं। तो आइए बात करते हैं सक्सेना जी से। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपका। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर के, जो बेसिक क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप प्रचार में हैं, चुनाव में हैं? देखिए, चुनाव में हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो कार्यकाल को लेकर है। बाहर कानपुर के नॉर्थ कानपुर सभी जनपदों में 1 साल का चुनाव है, लेकिन हमारे यहाँ 2 साल का है। तो मेरा प्रमुख मुद्दा ये है कि साथियों का आशीर्वाद मिला और मैंने शपथ ली, तो मैं शपथ लेने के तत्काल बाद 1 साल के चुनाव की घोषणा करता हूँ। अच्छा, और क्या विषय है? दूसरा, हमारी बार एसोसिएशन अभी तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एफिलेटेड नहीं है, यह मैं तत्काल करूँगा। ये तो बड़ा गंभीर विषय है, स्थिति आपके सामने। अच्छा, दूसरा, एक जो आपने आरोप लगाया था जी हैं वर्तमान सचिव हैं, तो वो क्या मैटर है, कितने गबन, कैसे, क्या आपने आरोप लगाया? हमारी बार की जो इनकम होती है वकालतनामे से होती है, बाकी दुकान के किराए से। मेरा ये आरोप था कि इन्होंने वकालतनामे का प्रॉपर हिसाब नहीं रखा है। कुछ पेपर मेरे पास थे, मैंने इन्होंने पूछा कि आप जवाब दीजिए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। काफ़ी जब मैंने इन पर प्रेशर बनाया तो इन्होंने एक ऑडिट कराया। ऑडिट रिपोर्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि इनके द्वारा वकालतनामे और पर्चा पहले के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, यानी मेरे आरोप को सीए ने भी साबित कर दिया है। तो ये आरोप सिद्ध हो गया जी, सीए की रिपोर्ट से तो यही। अच्छा, जीतने के बाद जी आप अपने साथी अधिवक्ताओं के लिए और क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपने जो युवा साथी हैं उनके लिए जो बार में जगह पड़ी है अस्थायी चैम्बर निर्माण कराकर तुरंत आवंटित कर दूंगा। बाकी चैम्बरों के लिए मैं नियम बनवाऊंगा और नियमों के अंतर्गत चैम्बर को व्यवस्था करूंगा। दूसरा, ई लाइब्रेरी स्थापित करूंगा और महिला अधिवक्ताओं के लिए 2 पद कार्यकारिणी में सुनिश्चित कर दूंगा, आरक्षित कर दूंगा कि उन पर केवल महिला अधिवक्ता ही चुनाव लड़ेगी। तीसरा ये है, किसी भी अधिवक्ता के साथ अगर कुछ घटना होती है तो जो 21 लोगों की टीम जीत के आती है, मैं इसमें से ही 5 लोगों की एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाऊंगा और तुरंत स्पॉट पर पहुँचूंगा। बाकी बार की हर गतिविधि को मैं वेबसाइट पर अपलोड करूंगा और जो भी पेमेंट का लेन देन होगा टोटल ऑनलाइन होगा जी, ये मेरी प्राथमिकता है। तो अपने अपने जीत के दावे को लेकर के कितने आश्वस्त हैं जी? देखिए, मौजूदा सचिव का 14 रुपये विरोध है और मुझे हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। साथियों के कहने से ही मैं चुनाव में उतरा हूँ और हर तरफ से समर्थन है, जबरदस्त समर्थन है, और मैं इस बार बरेली बार एसोसिएशन में सचिव पद के शपथ लेने जा रहा हूँ। देखा कि शंकर कुमार सक्सेना जी अपने जीत को लेकर के इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने अभी से ऐलान किया है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सक्सेना जी।